सुल्तानपुर में आबकारी विभाग भले कितने ही दावे कर ले, लेकिन वास्तव में जनपद में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने में नाकाम है। जी हां, आपको बता दें कि जनपद के गांव में शराब की भट्टियां धधकती और बड़े स्तर पर अवैध शराब का धंधा पुलिस और आबकारी विभाग की नाक के नीचे फल फूल रहा है। इतना ही नहीं, बेरोजगारी के समय युवा अवैध शराब के कारोबार को रोजगार के रूप में प्रयोग कर रही है। यही कारण है कि जनपद में अवैध शराब का कारोबार कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से भट्टियां धधक रही है और नकली शराब बकायदा शीशियों में भरकर बेची जा रही है। यही वह शराब है जिससे लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि इसका कोई मानक नहीं होता और मिथिल अल्कोहल की मात्रा अधिक होने पर जानलेवा हो जाती है। फिलहाल अवैध शराब का यह कुटीर उद्योग पुलिस और आबकारी विभाग की मिली भगत से ही पनप रहा है। इस बारे में जब जिला आबकारी अधिकारी हितेंद्र कुमार से जानकारी ली गई तो दारू क्यों बनाते हैं आप लोग कच्ची शराब? लड़का जिलाने के लिए बनाते हैं। हाँ। रक्षा चलाते हैं, रक्षा कमाई नहीं रहती है। खेती बाड़ी है नहीं, सरकार कोई हमको सुविधा नहीं दिया है, तो खाली दारू बना के अपना लड़का बच्चा पाल रहे हैं। किसी भी तरह के चुनाव में तो और भी ज़्यादा सख्ती की जाती है, और उस सख्ती का परिणाम ये होता है कि और भी अधिक सीजन होता है, लोग और भी ज़्यादा जेल में जाते हैं। उसमें तो और भी, क्योंकि बाहर से भी टीमें आती हैं, हमारे पास और भी ज़्यादा फोर्सेस और जो है हम लोग को अवेलेबल हो जाती है, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हम लोग पूरी तरह सक्षम है, हम लोग इस तरह कोई भी शिकायत मिलेगी तो उसमें कार्रवाई कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचे।